हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो है होल सॉ कटर पे। बेसिकली ये वीडियो है कि यदि आपको 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच या फिर 5 इंच का कोई प्लाई या फिर वुड में होल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। वैसे ये करना बहुत ही आसान है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक प्लाई है और मैंने डिफरेंट साइज के यहाँ पर होल करके रखे हैं, और ये जब आप होल करेंगे उसके बाद आपको बहुत खूबसूरत से यहाँ पर आपको व्हील बाहर निकल के आएंगे। तो ये देखिए, मैं थोड़ा ज़रा आपको पास से इसकी फिनिशिंग दिखाता हूँ, कितने फिनिश होल करते हैं, और मैं आपको थोड़ा पीछे से भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोई सैंड पेपर या कोई फाइल यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली ये कट के ऐसा ही आता है। ये देखिए, ये मैं जरा मैं आपको इसकी व्हील की फिनिशिंग दिखाता हूँ, कितने फिनिश व्हील निकल के आते हैं बाहर। पीछे से भी बहुत फिनिशिंग है, बाकी यदि आप साइड से देखेंगे इतने ही खूबसूरत से व्हील आपको निकल के आएंगे। और सबसे बड़ा फायदा इन व्हील का ये होता है कि यदि आप कोई DI वर्क करना चाहते हैं तो उसमें आप इन व्हील्स को यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारे होल सॉ कटर। मैंने यहाँ पे 2 क्यों लेके रखे उसका एक रीजन है। देखिए, ये दोनों ऑनलाइन अवेलेबल है, ये होता है 11 पीस का और ये होता है 16 पीस का। इन 11 पीस में ये जो आपको कटर दिख रहे हैं ये टोटल आते हैं 8, और ये जो आपको 16 पीस दिख रहे हैं इसमें कटर आते हैं टोटल 12। अब इसकी प्राइस की बात करूं तो ये आपको कुछ मिल जाएगा 250 से लेके 350 के बीच में, और इसकी बात करें तो ये आपको मिलेगा कुछ 400 से 550 के बीच में। मोटा मोटी इन दोनों में 150 रुपये का डिफरेंस है, मगर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इसको आप बाय मत करिए, इसको आप बाय करिए। रीज़न ये है कि इसमें आपको 4 इंच और 5 इंच की ब्लेड और मिल जाएगी। ये देखिए, यह है आपकी 5 इंच का कटर और यह है आपका 4 इंच का कटर, ये दोनों आपको इसके अंदर मिलता है, जो कि इसके अंदर वो आपको नहीं मिलता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस इस टूल किट और इस टूल किट में है वो इस पत्ती का है। इस पत्ती में यहाँ भी ऐसा एक पॉइंट निकला रहता है जो अभी टूट गया है। इसका फायदा बहुत होता है, ये आपको दिख रहा है इस कटर में 2 होल हैं, तो ये 2 होल में यहाँ पर ऐसे लग जाती है, और फिर जब आप ड्रिल करते हैं तो आपकी ये प्लेट शेक नहीं करती है, ये इसको नाचने नहीं देती, एक जगह पर रखती है। तो वैसे ये जो पत्ती ये इसके अंदर नहीं आती, ये सिर्फ इसके अंदर ही आती है। इसके बाद जितनी भी प्लेट्स दिख रही हैं उन सब पे मेजरमेंट रहता है, वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। जैसे ये वाली प्लेट है तो इस पर लिखा हुआ है 5 इंच 127 mm, और यदि आप इस पर देखेंगे तो इस पर लिखा हुआ है 2.5 इंच और 64 mm। अब यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बता दूँ कि ये वाली जो हमारी बड़ी टूल किट है इसमें ये जो आपको 2 प्लेट्स दिख रही हैं, मतलब 5 mm, 4 mm और ये वाली प्लेट जो हमारी है 3.5 mm की, ये तीनों प्लेट में आपको ड्रिल करने में अच्छी खासी मशक्कत होगी। यदि आपके पास बेंच ड्रिल है या फिर आपके पास ड्रिल मशीन का स्टैंड है तब तो इससे आप आराम से ड्रिल कर सकते हैं, अदरवाइज इससे अगर आप डायरेक्टली ड्रिल करेंगे तो आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। हाँ, ये वाले जो हैं ये बहुत आराम से ड्रिल हो जाते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली ड्रिल मशीन से ड्रिल करेंगे बहुत आराम से हो जाएगा, 1.5 से 2 मिनट या 1 मिनट में भी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके अंदर आपको क्या मिलेगा। तो इसके अंदर आपको 2 बिट मिलती हैं, एक तो ये और एक ये। ये रहती है छोटे व्हील्स के लिए, और ये जो है ये रहती है बड़े व्हील्स के लिए, और साथ में आपको मिलती है एलन की जिससे आप इसके अंदर बिट टाइट करते हैं। अब इसको कैसे लगाते हैं, बहुत ही आसान है। पहले आप इस नट को खोल लीजिए, ये देखिए मैंने इस नट को खोला। अब यदि आपको ये बिट निकालनी है तो ये जो एलन की है इससे आप इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, इससे आप इसको ढीला कर लीजिए, ये मैंने ढीला किया, ये आपकी बिट बाहर आ जाएगी। यदि ये ख़राब हो जाए, टूट जाए, तो आप इसमें फिर दूसरी बिट फिट कर सकते हैं। इसको कटर में लगाने के लिए आप इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से आप ये जो नट है इसको यहाँ पे टाइट कर दीजिए, और उसके बाद जैसे ही आप बिट ड्रिल मशीन में लगाते हैं उसी प्रकार से आपको इसको लगाना है। आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये जो बिट है ये आपको हमेशा लगाना है। कभी कभी क्या होता है कि छोटे वाले जो होल सॉ कटर रहते हैं हम डायरेक्टली लगा के इनको ड्रिल करते हैं, ऐसे में आपकी मशीन अच्छा खासा आपको झटका दे देगी और आपका काम बिगड़ जाएगा। तो जब भी भले आप छोटे लगाएं या बड़े लगाएं, आपको ये बिट लगाना जरूरी है। अगर अब मैं इस कटर की मजबूती की बात करूँ तो ये पूरा 1 mm मोटा है और अच्छा खासा हैवी है। तो ये ऐसा नहीं है कि अगर आप ड्रिल करेंगे तो कहीं से मुड़ जाएगा, कुछ भी नहीं पॉसिबल है। और ये अच्छे खासे 1 mm मोटे गेज के हैं और अच्छे खासे हैं, तो क्वालिटी तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो चलिए अब हम लेते हैं इसका डेमो।
ये देखिए कितना फिनिशिंग के साथ इसने ये गोला काटा है। इसको निकालना बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप इसको हाथ से पकड़िए और धीरे धीरे ड्रिल चलाइए। ये देखिए ये पहिया आपके हाथ में आ जाएगा। चलिए अब काटते हैं हम इससे थोड़ा बड़ा व्हील। ये देखिए पीछे से कुछ इस तरफ से आपको दिखेगा, पीछे से भी फिनिशिंग है और ये रहा हमारा व्हील जो कट के एकदम रेडी है। तो देखा फ्रेंड्स आपने कितना आसान है इन होल सॉ कटर से अपने मनचाहे साइज में होल करना। आप इनसे 5 इंच तक के होल कर सकते हैं और इस प्रकार से खूबसूरती के साथ। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको मशीन या फिर टूल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेल या फिर कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए, बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आ सके। तो अभी तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग।